तस्वीरें आपके सामने फटाफट से आ रही हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहला नाम गुलाम नबी आजाद साहब का है और खास तौर पर आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब को किस तरीके से अवार्ड दिया जा रहा है। फिलहाल पूरी जानकारी आपको फटाफट से दे देते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कारों का वितरण कर दिया है। दौरान उन तमाम लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिनके नाम का ऐलान कुछ हफ्ते पहले ही किया गया था। इसमें हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए CDS जनरल विपिन रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद साहब शामिल हैं, जिनकी तस्वीरें आप खास तौर पर देख सकते हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद साहब को पब्लिक अफेयर के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं CDS और जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल विपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी को पुरस्कार दिया। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के MD साइरस पूनावाला को भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। साइरस पूनावाला को पद्म भूषण पुरस्कार व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया, यानी तमाम ये व्यक्ति हैं। हालांकि सबसे जो खास इसमें रहा वो वाराणसी के 126 साल के स्वामी शिवानंद रहे हैं, जो कि नंगे पैर पद्मश्री अवार्ड लेने पहुंचे और वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी तेजी से हो रहा है। स्वामी शिवानंद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने घुटनों पर भी बैठे हुए नजर आए और आप खास तौर पर ये तमाम लोगों की तस्वीरें देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं उनको किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। तो बड़ी बड़ी शख्सियतों को यहाँ पर नवाजा गया है और ये तस्वीरें भी हमने कल देखी कि किस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन शख्सियतों को जो नवाजा है और इस लिस्ट में सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद का नाम था, उन्हें सम्मानित किया गया और उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। 126 साल के स्वामी शिवानंद के सम्मान में झुकी सरकार और उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।